ऐसी किला मुसलमानों का था, इसके लिए अल्लाह का नाम गेट के ऊपर था। एक किले का आते वक्त मैं नाम सुना कि मुरूर जंजीरा देखने जा रहे। जंजीरे का कोई अर्थ, कोई मीनिंग, कोई भी लैंग्वेज से नहीं होता। किले का सही नाम था अल जजीरा, कहाँ जाता था। जय बोले कि मराठी में पानी होता है, जीरा मतलब बेग, एक आइलैंड को कहते हैं जिसको अरबी लैंग्वेज में जजीरा कहते हैं। जल के बीच में जजीरे के ऊपर बनाया हुआ किला है और हिंदुस्तान की 3 नंबर तो आज भी किले के अंदर है। वही आगे चल के देखते हैं। इसका कलाल बंगड़ी वर्जन है 22,000 किलो, नाव में डाल के नहीं ला, इसको यहाँ पे लाके बनाया। जैसे हाथों में लड़की उड़ी के अंदर बंगड़ी देख सकते हैं, एक एक रिंग यहाँ पे ज्वाइन लिए, फिर यहाँ पे लाके सिर्फ ज्वाइन लिया ये रिंग को, और पीछा होता ना ग्रेफाइट, यही पिघला के ज्वाइन बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक और गैस वेलिंग नहीं था। ये किले में आने के बाद लोग कहते हैं लोहा है, अगर ये लोहा होता समंदर की खड़ी हवा से सड़ जाता, पत्थर होता तो सूरज की गर्मी की वजह से गर्म होता, सुबह से लेकर शाम तक सूरज के नीचे रहती है तो नई हीट होती है। बनाने वाले ने 12 मीटर पंच धातु से बनाया। चलाने का सिस्टम साइड में दिखाई देता है, हैंडल था, नीचे में व्हील पहिए दिए हुए थे, जब चलाना हो तो व्हील के जरिए लोग इसको अंदर में खींचा करते थे। खुली आगे से गोला बारूद डालते थे, निशाने पर रखा जाता था और यहाँ पे आग दी जाती थी। जैसे पटाखों की बात होती है ना, सेम उसी टाइप में गोला बारूद जब जलता था, गोला निकल के 12 किलोमीटर पे जाके गिरता था। इसका रेंज 12 किलोमीटर का, और ये हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप है। जब ट्रॉली थी कोई भी दिशा कोई भी एंगल में रख के फायर किया जा सकता था, देश आजाद होने के बाद इसका कोई आज इस्तेमाल नहीं करता। गवर्नमेंट ने पहिए निकाल के एक ही जगह के ऊपर रखा और ये होलो को बंद रखा है ताकि इसको आगे चल के कोई चला ना सके। ये किले के अंदर सबसे बड़ी यही 3 तोप है, 22,000, 15 टन, 18 टन, 12 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का और 7 किलोमीटर का। नाम है तीनों तोपों का, कलाल बंगड़ी, गायमुख और चावली। गायमुख इसके लिए, इसका आगे से आकार देखेंगे तो गाय की फेसिंग बना के रखी थी। आने के लिए आए आप लोग, पानी के ऊपर से सफर किया, यानी नाव में बैठे किले के अंदर उतर गए, लेकिन जब तक यहाँ पे लोग थे आना जाना पानी के ऊपर से नहीं करते थे, लोग पानी के नीचे से चल के गांव तक जाते थे। कहाँ से तो उसकी इस पे बागी चल के देखी विंडो में से आपको 3 स्टेप दिखाई देती है। ये उतरने के लिए 27 स्टेप है, 27 सीढ़ी। ये जो सामने की विंडो है ना, इसी आगे देखिए, ये उतरने के लिए जो 27 स्टेप बनाई हुई, यहाँ से टनल है जो गांव की तरफ जाता है। पूना में रहते उनको पता है शनिवार वाड़े से पर्वती के लिए है, वैसे ये किले में से गांव तक था। लोगों ने पानी के नीचे से कैसे बनाया, तो ये किला एक आइलैंड है, सिर्फ पत्थरों की चट्टान है। देखिए कि बाहर पानी के नीचे आज भी पत्थरों की चट्टान नजर आती है, सिर्फ इन्हीं को काट दिया पानी के नीचे से और एक रास्ता बनाया। रास्ता छोटा नहीं था कि किसी को झुक के जाने की जरूरत पड़े। 20x20 का एंट्री गेट राजपुरी गांव में 1 किलोमीटर में जाके ओपन होता था। रास्ता आज खुला नहीं है, अगर खुला होता तो आज आप लोग को लाने के लिए मेहनत नहीं होती, आप इसी से आते और इसी से वापसी में चले जाते। रास्ते को बंद क्यों किया, क्योंकि जब तक लोग थे घरों के ऊपर छत थी, बरसात का पानी गिरता था घरों के बाहर चला जाता था। आज जब बारिश होती है ना बरसात, तो पानी टनल के अंदर जाके जमा होता है, सूरज की रोशनी जाती नहीं अंदर, पानी सूखता नहीं है। नीचे में काफी झाड़ी होने की वजह से पत्थर छूट चुके, टनल कभी भी लीकेज हो सकता था। टनल के जरिए किले में पानी और गांव तक जा सकता था, इसके लिए गेट बंद है। लेकिन यहाँ से जहाँ जाके खुलता है, गांव में देखिए एक काली कमान पत्थरों का एक गेट है ग्रीन घर के पहले, ये उसके नीचे जाके ओपन होता था रास्ता। इस साइड देखो सामने ही है, यहाँ पे खड़े रहने के बाद सामने एक दूसरा किला नजर आता है। किले का नाम है पद्मधुर खासा किला, बांधने वाले का नाम संभाजी महाराज। जब ये किले को जीतने आया ना तो किला बांधा, सामने वाला किला बांधा। लेकिन जब वो किले को बांध रहे थे, रायगढ़ में जो किला है वहाँ पे औरंगजेब ने हमला किया, सामने वाले किले को अधूरा छोड़ दिया 3 टुकड़ों में, और रायगढ़ वाले किले को बचाने चले गए, क्योंकि रायगढ़ वाला किला आज भी शिवाजी महाराज की हुकूमत है। किला बांधते जंगलर थे, किला तो जीतते लेकिन राजधानी चली जाती। सामने वाला किला 16 एकड़ में 3 टुकड़ों में अधूरा है, वहाँ पे कोई पर्यटक लोग नहीं जाते, क्योंकि जाने आने के लिए नेवी का कस्टम ऑफिस का परमिशन लगता है। यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पे बांधा हुआ है। जो मुरू बीच से आप लोगों ने आते समय में देखा, वो सामने वाला ही किला था। किले के ऊपर बहुत लोगों ने हमला किया, करने वाले थे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कान्होजी अंग्रेज, ब्रिटिश लोग, औरंगजेब और चीमाजी अप्पा। देश के अंदर कई किले है, 365 किले, 365 किसी न किसी राजा ने कभी ना कभी कोई ना कोई किले को जीता है। लेकिन देश में से 2 किले ऐसे है जो आजिंग के किले है, आजिब फोर्ट है। एक है दौलताबाद का देवगिरी किला, और जहाँ पे अभी आप लोग खड़े जंजीरात किला। शिवाजी संभाजी महाराज ने देश के अंदर 150 के ऊपर किले जीते,
लेकिन सब पहाड़ी किले। शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी में एक ही किला पानी के बीच में खुद का बांधा है, नाम है सिंधुदुर्ग। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रत्नागिरी के आगे जंजीरे किले से बड़ा है 40 एकड़ का किला है। जंजीरा किला हिंदुस्तान का सबसे पहला किला है। रायगढ़ में आज 5 किले समंदर के अंदर। आते वक्त में देखा होगा अलीबाग में कानोजी अंगरे का कुलाबा किला, उससे आगे आएंगे तो सामने वाला किला दिखाई देता है पद्मदुर्ग, जहाँ पे खड़े जंजीरा, इससे आगे जाएगी सिंधुदुर्ग, उससे आगे जाएगी तो विजयदुर्ग। इसके अंदर हिंदुस्तान का सबसे पहला किला जहाँ पे खड़े ये था, और ये किले को बांधा सिद्धि लोगों ने, सिद्धियों के वंश ने ये किले के ऊपर आखिर तक हुकूमत की, और ये किले का आखिरी राजा आज भी जिंदा है जिसका नाम है सिद्धि याकूब खान। कई दूर नहीं बसता, मुरूड में एंट्री करने से पहले आप लोगों ने एक पैलेस देखा है राइड में, चर्च जैसा दिखाई देता है पत्थरों का, आज भी इन्हीं नवाबों की प्रॉपर्टी। इसके लिए पर्यटक लोगों के लिए बंद है, और जंजीरा किला आज सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत में, इसके लिए आज ये टूरिस्ट पॉइंट है। सिर्फ यहाँ से लोग बाहर की देखरेख करते थे, यहाँ से कोई दुश्मन दिखाई दे, नीचे से मैं गोला बारूद रखा हुआ था और इसके ऊपर में तोपे रखी हुई थी, दुश्मनों को ऊपर से जाके खत्म किया जाता था। ये विंडो को ऐसे बनाया हुआ है कि आप लोग अंदर खड़े रहने के बाद समंदर की एंडिंग यहाँ से देख सकते हैं, आपको विंडो के करीब जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे खड़े रहके देखो, आज भी यहाँ से गाँव नजर आता। का दूसरा गेट, इसको इमरजेंसी एग्जिट मराठी में चोरवट कहते हैं, हर एक किले को बांधते हैं। गांव आने जाने के लिए नहीं था, इस्तेमाल होता था मेन गेट के ऊपर आक्रमण हुआ ना हमला, तो लोग यहां से छुट्टी नाव पानी के अंदर डालते थे, यहां से गेट तक चले जाते थे सिर्फ दुश्मनों को खत्म करने के लिए। नाव जो है ये कंटिन्यू बाहर नहीं रख सकते थे, क्योंकि दिन में जो 12 घंटे आते हैं 6 घंटा ये किले के साइड में पानी भरता है और 6 घंटा कम हो जाता है, जिसको वटी और भर्ती कहते हैं, हाइटा डालो टाइट। जब ये किले के बाहर आज भी पानी भरता है तो ये किला 20 फीट पानी के अंदर डूबता है। कहाँ तक पानी आता है तो इसका गेट देख सकते गीला है। यहाँ पे मॉर्निंग के वक्त में पानी था, अभी पानी को लोटाइट है, किले के साइड में पानी कम हो रहा है, तो देख सकते इसके बाहर आपको पत्थरों की चट्टान नजर आएगी। जैसे ये किला खड़कों के ऊपर बांधा, अगर नाव अगर बाहर रखते कंटिन्यू तो पानी कम होने के बाद पत्थरों पे लगती और टूट जाती। इसके लिए नाव को रखने के लिए लोहा है यहाँ पीछे में, यहाँ पे नाव को बांधा जाता था अगर जरूरत पड़ जाए तो उठा के पानी के अंदर। और रीजन इसका ये बनाने वाले ने कि जब तक आप किले के अंदर आने के लिए इस्तेमाल करने के लिए गेट का इस्तेमाल नहीं होता था, मेन गेट से आते थे लोग, लेकिन जब पानी भर जाता था तो ये बाहर वाले को गेट नजर आएगा। अगर इसको जब वटी लगेगी ना लो टाइट तो इसको कोई बाहर से देखेगा तो एक छोटी विंडो नजर आएगा, क्योंकि बाहर उतरने और चढ़ने के लिए स्टेप नहीं बनाई। अगर इसको स्टेप बांधता तो मेन गेट छोड़ के दुश्मन किले के अंदर यहाँ से भी आ सकता था। जब गेट के अंदर पानी आएगा जब ही यहाँ से कोई बाहर जाएगा, ऐसे ये किले के बाहर कोई उतर नहीं सकता, क्योंकि इसके बाहर उतरने और चढ़ने के लिए 15 फीट हाइट में बांधा हुआ है, यानी ऊंचाई में बांध के रखा हुआ है। ये किले के अंदर जो है डिजाइन किया हुआ गेट है, ये गणेश मंदिर था, लोगों ने जब एक किला छोड़ा यहाँ से मूर्ति उठा के आज राजपुरी गांव में रखी। कहते हैं किला तो मुसलमानों का है, गणेश मंदिर किले में आया कैसे? तो ये किला तो बांधा है सिद्धि धवन ने, लेकिन बांधने के लिए अकेला तो काम कर नहीं सकता था, यहाँ पे दोनों समाजों ने हेल्प की, मुसलमान और कोली समाज। काम पूरा होने के बाद यहाँ से कोली समाजों को निकाला नहीं, उनके लिए गणेश मंदिर था। ये किले में से 2010 थे कोली और मुसलमान लोग रहे 1972 तक, यानी भारत आजाद होने के बाद भी लोग यहाँ पे 25 साल तक थे, यानी 1972 तक ये किले के अंदर लोग थे, यानी आज से 40 साल पहले ये पूरा गांव बसा हुआ था। बाद में ये लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके किले को छोड़ दिया, और 91 में यहाँ पे जो आखिरी फैमिली थी वो भी यहाँ से निकल के चली गई। यहाँ पे दो तालाब है, इसके पीछे में देखिए सबसे बड़ा तालाब है, तालाब के अंदर साल के 12 महीने पानी रहता है, आया कहाँ से तो ऊपर जाने की मालूम आती नहीं। आने के बाद लोग समझते हैं बरसात का है, अगर ये बरसात का होता तो सूरज की गर्मी की वजह से सूख जाता, नीचे की जमीन नजर आती। सामने कभी भी आने के बाद ना ये पानी कम होता है ना ये ज्यादा होता है। आने के बाद लोग सोचते हैं ये पानी कम नहीं होता तो समंदर का खारा पानी होगा, अगर ये खारा पानी रहेगा तो एक जगह पे जब खारा पानी जमा होता है तो उसका नमक बन जाता है, ये भी नमक बन जाएगा। ये किले में पानी आया कैसे? तो ये किला एक आइलैंड है, सिर्फ पत्थरों की चट्टान बांधा है पत्थरों से, पत्थर जाके गाँव से अप डाउन नहीं किया लाने के लिए। अगर अप डाउन करते तो ये किला 22 साल में क्या जाने कितने साल में किला बन जाता। ये किला जो आइलैंड था काट दिया इसी को और ये किला बांधा, जब पत्थर काट के नीचे चले गए
पत्थरों के अंदर से पानी निकल गया, जिसको झड़े बोलते हैं ना, स्प्रिंग वाटर, यहाँ पे रुक गई है तालाब की डीप। ये 60 फीट गहरा है, 60 फीट आने के बाद लोग कहते हैं पानी पी के दिखाओ तो मानेंगे कि मीठा पानी है। जरूरी नहीं होता कि मीठा पानी जब पिया जाए तो ही लगे कि मीठा है, क्योंकि मीठा पानी जब खराब होता है उसी के ऊपर शैवाल हरियाली आती है। कैसे? तो घरों के बाहर आपके कुआ होगा, जिसको मराठी में वीर बोलते हैं, ज्यादा नहीं से 2 महीना अगर बकेट डाल के पानी का उपसाव ना किया जाए तो पानी से ऐसी हो जाएगा, क्योंकि पानी जितना निकालेंगे उतना रिटर्न में जमीन से आता है। इसको कोई 40 साल से इस्तेमाल नहीं करता, हजारों पर्यटक लोग आते, सब एक जैसे नहीं होते। आने के बाद लोग इसको डस्टबिन समझते हैं, बिस्लरी की बोतल, कचरा डालते, नीचे से पानी काला और ऊपर साइड में शैवाल है। जब तक लोग थे यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था, कोई सेंटर से बकेट नहीं डाला करता था। क्यों? क्योंकि तालाब के ऊपर जो टूटी हुई दीवार है, दीवारों में जो खाली विंडो है, इसी के अंदर 7 कलर के ग्लासेस कांचे लगी हुई थी। सिस्टम ये था कि सूरज की रोशनी कांचों के ऊपर पड़ती थी, कांचों का रिफ्लेक्शन पानी के ऊपर, पानी 7 कलर में रेनबो टाइप में दिखता था। कोई ऊपर से बकेट डालेगा पानी हिलेगा, शीशे का रिफ्लेक्शन है पानी के साथ हिलता हुआ खराब दिखेगा, और लोगों को पानी पीना है तो पिएंगे कैसे? तो यहाँ पे टब बनाए, उतरने और चढ़ने के लिए 25 स्टेप दी, 25 सीढ़ी। बड़े तालाब से यहाँ तक पानी ये गेट के जरिए आता है, देखो सामने गेट है। आते वक्त में वहां पे देखा एक छोटा तालाब, वहां के लोग वहां से और यहाँ के लोग यहाँ से पानी निकाला करते थे। बारिश बरसात होती है, पानी इसी के अंदर गिर जाता है। ये ओवर फ्लो भी होता है, लेकिन ओवर फ्लो होने के बाद ये किले के अंदर पानी नहीं आता। जैसे ओवर फ्लो का सिस्टम टाकी को देते हैं ना, पाइप डालते हैं, वैसे इसको ड्रेनेज में बांधा हुआ है। ये देखिए जमीन के अंदर नाले बनाए गए, दीवारों में उस तरफ में होल है, जब पानी की लेवल बढ़ती है नालों के जरिए पानी निकल के किले के बाहर चला जाता है। ऐसे ही आके किले के अंदर गंदगी नहीं करता, और सूरज की गर्मी की वजह से इसकी लेवल कभी कम नहीं होती, क्योंकि इसके झड़े आज भी खुले। सिर्फ 40 साल से पानी इस्तेमाल में नहीं है, इसकी वजह से पानी खराब हो चुका है। किले का सबसे ऊंचा पॉइंट पीछे में है, जिसको कहा जाता है बाले किला। झंडा लहराते 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अपने हिंदुस्तान का तिरंगा। पॉइंट ऐसा है कि आप लोग किले में दिन भर रहेंगे, किला देखना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वहां पे जाएंगे बाविशिखर किला और साइड का आपको समंदर नजर आएगा। देख के जब वापसी में होगे, यहाँ पे अपना गाइड खत्म नहीं हुआ, आगे चल के और भी अपने को 4 पॉइंट देखने। अगर कोई जाना चाहता है तो 10 मिनट में आ जाओ, जिसको नहीं जाना तो यहाँ पे 10 मिनट इंतजार करेगा। चलो बजने की बात किले में लोग समझ जाते थे कि राजा ने अंदर की तरफ में बुलाया हुआ है। डिजाइन किया गेट, ये दरबार का मेन गेट था। यहाँ से ऊंचाई 7 फ्लोर थी, 7 मंजिलों में बांधी हुई इमारत। सीलिंग था, ये लकड़ा था। लोगों ने जब ये किला छोड़ दिया, आज किले में कोई रहता नहीं। ये किले में जब बरसात होती है, देख रहे ऊपर में विंडो खुली है, ऐसी खुली रहने की वजह से बरसात का पानी अंदर जाता था। लकड़ा सर के सीलिंग सर के नीचे में गिर चुकी है इमारत को, ना ही अंदर से सपोर्ट है ना ही बाहर से। इमारत के अंदर काफी जड़े जा चुकी है, जड़ों की वजह से पूरी दीवारें ढीली हो चुकी है, कमजोर है। जब हवा होती है आसानी से 1-2 पत्थर गिर जाते हैं, शायद अगले साल आके ऐसे ही खड़े रहेंगे। ये 2nd फ्लोर भी गिरेगा, देखो पूरा छूट चुका है, इसके लिए कोई ऊपर तक नहीं जाता। यहाँ के राजा ने सिर्फ जंजीरे किले के अंदर ही राजपाट नहीं किया, यहाँ से हुकूमत चली 3 तालुके पे, जहाँ से आया अभी आप लोग मुरुड, शिवर्धन और मसला। इतनी बड़ी रियासत ही किले में बैठ के चली। खाने की चीजें बाहर थे, नीचे में छोटे छोटे रूम है, ये गोदाम है, यहाँ पे लाके जमा रखते थे, लोगों को फ्री में बांट दिया करते थे। क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग, ये टोटली सिपाहियों की फैमिली थी, मुसलमानों के लिए मस्जिदें थी, कोली समाजों के लिए मंदिर था, गांव के लिए जो कुछ जरूरत की चीजें सभी किले के अंदर की थी। देखो अंदर में कोई मर जाए तो एक किले के अंदर मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान है,
किले के पीछे साइड में शमशान घाट था, यानी कोई भी चीज के लिए यहाँ से जमीन तक यानी गांव तक आने जाने की किसी को भी जरूरत नहीं थी, यहीं पे लोग जीते थे और यहीं पे मर जाते थे। तालाब की जो डीप है 40 फीट गहरा है, पानी मीठा है, लेकिन कोई पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। सिर्फ मस्जिदों में जब मुसलमान जाते हैं ना तो हाथ मुंह धोते हैं, जिसको वजू कहते हैं। ये वजू के लिए तालाब का पीछे में 2 वाइट इमारत, किले में 4 मस्जिदें थी जहाँ पे खड़े। यहाँ पे शाम के वक्त में बाजार लगे, पैसा तो था नहीं, हर चीज का लेन देन चलता था। पीछे में 2 खाली जगह है ना, यहाँ पे बाजार लगते थे। खाने पीने की चीजें कोई बाहर से नहीं लाता था, यहाँ से ही राजा को कोई चीज देना हो अगर दूसरे के पास है वो तो भी लिया करते थे। दूसरे के पास किसी के पास है से बाटर सिस्टम, यानी उसके वो देने के और वो चीज लेने की जो जरूरत की है। ये किले में घूमने के लिए आज रास्ते नहीं है, इसके लिए लोगों को ऊपर भेजा जाता है। वहां पे खड़े रह के पूरा भविष्य का नजर आने के बाद देखा होगा पीछे में से दीवार जो गिर चुकी है टूट के, इसी के अंदर जाने आने के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। इसके लिए बाबी सीकर का कोई चक्कर नहीं लगा था। अभी भी 2 पॉइंट अपने को आगे चल के देखना, फिर बाद में नाव में बैठे। लकड़ी का नाम भरमाटिक साग है, सागवान है। सागवान एक ऐसी चीज होती है जिसको जितनी साल रखोगे कभी सड़ेगा नहीं। इसको लोखंड की जितनी भी रिबिट मारी गई है खाली आवाजें सड़ चुकी है, लेकिन लकड़ा आज भी जैसा की वैसा ही है। राजा जब आएंगे तो पूरा गेट खुल जाता था, प्रजाओं को लेना हो तो छोटे गेट से लेते थे, जिसको कहा जाता है डिंडी दरवाजा। अपने घरों के इंजीज होते ना बिजा करता, हमने पीतल लोहे जर्मन में देखो कैसे बनाए हुए, ऊपर में पत्थरों के अंदर, नीचे भी पत्थरों के थे। नीचे से दरवाजा जमीन से ऊंचा था, कोई छोटा बच्चा भी धकेल के बंद कर सकता था। अभी आप लोग सब मिलकर चाहे कोशिश करेंगे, गेट बंद नहीं होगा। अगर बंद हो जाएगा इंजीज, अगर टूट जाएगी आपके ऊपर गिरेगा, इसके लिए इसको बंद करने की कोई कोशिश नहीं करता। ये साल के 12 महीने खुला ही रहता है। ये अपने देश के जो पैसे होते हैं, गांधी जी और त्रिमूर्ति का स्टाम्प होता है इसके ऊपर जब चलते देश के अंदर खाने पीने के लिए। लेकिन जब ये किले में जो पैसे चले ना राजा हुकूमत में, अगर कोई बाहर से आने वाला रहेगा तो उनको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे एक कॉइन दिया जाता था, जिसको मराठी में नाने कहते हैं। उसकी मोहर अपने को आगे चल के देखी। देखो आगे में जो चित्र है, एक श्रेणी ने 6 हाथी को पकड़ा। आपको बताया यहाँ के राजा ने 3 ताल की हुकूमत की, तो अपना सीखा जो है ना कॉइन आइडेंटिटी प्रूफ तालुके में दिए हुए थे। और यहाँ पे 3 निशानी बनाई गई, एक तो सामने दिखती है और 2 ये साइड में बना के रखी है। ये जो चित्र बनाया हुआ है ये शिवर्धन तालुके में चलता था, यानी वहां से कोई शिकायत लेके किले में आएगा तो एक कॉइन उसके पास चाहिए। अगर ये ना हो तो कंफर्म करने के लिए गेट खुला नहीं जाता था, गेट 24 घंटा बंद रहता था। ऊपर में विंडो बनाई थी, यहाँ से नीचे वाले को देखा जाता था। अगर अपना आदमी है तो अंदर लेते थे, ना हो तो दुश्मन या जासूस समझ के तीर कमान या गर्म तेल भर के किले की बाहर ही खत्म कर देते। कोई आम आदमी किले के अंदर एंट्री नहीं कर सकता जब तक ये कॉइन ना हो। ये किले के अंदर एक चित्र जो एक शेर ने 6 हाथी को पकड़ा है, ये मतलब क्या होता है इसका? ये जो भारत देश है ना अपना, इसके ऊपर मुगल और सिर्फ मराठा लोगों ने हुकूमत नहीं की, इसके अंदर 6 हुकूमत थे। इसके अंदर से आज भी जंजीरे किले को किसी ने जीता नहीं। जीतने वाले को यहाँ पे हाथी बताया और यहाँ पे जो राज कर रहा था ना उसको शेर बताया। यानी जंगल कितना भी बड़ा हो उसके अंदर राज बहुत से जानवर होते हैं बड़े बड़े, लेकिन उस पर राज सिर्फ शेर करता है। वैसे यहाँ पे बताने का मतलब यही है। जैसे ही किले के ऊपर हुकूमत से सिद्धि लोगों की चली भारत आजाद होने तक, ये किला आज तक किसी ने क्यों नहीं जीता? क्योंकि अभी आप लोग ये किले के बाहर की तरफ जा रहे, लेकिन जाने के बाद किसी को भी बताएगा नहीं कि जंजीरे किले का एंट्री गेट कहाँ पे। ये एंट्री गेट छोटा नहीं है, आज भी सटर है संडे में 250 आदमी जब यहाँ पे भीड़ होती है ना तो खड़े रहते हैं, लेकिन बाहर वाला जाने के बाद बता नहीं सकता कि एंट्री गेट कहाँ है। क्यों नहीं नजर आता बाहर वाले को? जब नाव वाला किसी को लाता है ना किले में तो इस तरफ से लाता है, सामने की दीवार वॉश टाउन नजर आता है, वो एंगल से देखेंगे ये वॉश टाउन नजर आएगा। स्टेट देखेंगे पीछे में एक दीवार बंद है, सूरज की रोशनी अंदर तक तो आती नहीं, बाहर वाला स्टेट देखेगा ना सामने की तरफ, ये दीवार आपको सामने लगेगी, ये एंट्री गेट दिखाई नहीं देगा। दुश्मन कोई भी लड़ाई करेगा ना किले के ऊपर तो ये किला नहीं तोड़ेगा, क्योंकि पानी के बीच में वही काम उसको दोबारा करना पड़ेगा जीतने के बाद। लोग आते थे ढूंढे एंट्री गेट सामने और मारे जाते थे। इसके लिए देश के अंदर सिर्फ अकेला किला पानी के अंदर ऐसा है जो आज तक किसी को जीतने नहीं आया। जंजीरा किला 1000 साल पुराना है, बनाने के लिए सीमेंट नहीं था, मटेरियल सिर्फ 4 चीजों का है, गुड़ खाते ना मीठा गुड़, समंदर गिरे वालू, चूना और शीशा। जो ग्रेफाइट होता है किले के ज्वाइंट में टीला के छोड़ा, जो लाटे बनती है ना समंदर की लहरें टकराती है किले के ऊपर और रिटर्न होती है। दीवारों में जो बॉक्स नजर आता है 1000 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके पानी की मार से पत्थर 3-4 ही अंदर जा चुके हैं, लेकिन मटेरियल ज्वाइंट अपनी आज तक जगह नहीं छोड़ा है। क्योंकि बरसात में जब ये किला 3 महीने के लिए बंद होता है ना तब पानी वहां तक जाता है, जो स्टेप है ना आगे में यहाँ तक, इसके लिए बारिश में किला 3 महीने के लिए बंद होता है। इतनी अंदर तो नाव किसी को उतारने के लिए आएगी नहीं, क्योंकि देख सकते हैं जितने पत्थर रुके हैं ना यहाँ तक पानी आता है, अभी पानी लो टाइड में है। शायद आप लोग शाम में आते तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे स्टेप पे उतरते।
यानी यहाँ पे ऊपर की स्टेप पर पानी आ जाते हैं। Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and share. Thank you.